हे बड़ी व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और यहाँ पर है आज अपने पास निशान सिल्विया S15। यस, यहाँ पर पहले तो रेस पर ध्यान देते हैं और बाकी के बातें बाद में करते हैं। ओके, लेट्स गो। यहाँ पर दो फरारी है जो कि हमसे आगे निकलने वाली है और निकल भी गई। ओके, लेट्स गो। बट एक ना एक तो पीछे जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि इनमें आपस में टक्कर हो सकती है, आपस में भिड़ जाएंगे। देखना कहाँ पर ना कहाँ पर तो ये टक्कर हो ही जाएंगे। आराम से यहाँ पर टर्न, इससे अच्छा ब्रेक दबा दो। और अगर आपने टायर्स पर ध्यान दिया होगा मेरे गाड़ी के ऊपर, तो वो रैली टायर्स लगे हैं। अब ऐसा क्यों मैंने किया है? ओके, यहाँ पर पहले तो रेस पर ध्यान देने दो, थोड़ा सीधा रास्ते आने दो, बाद में बता देता हूँ। तो यहाँ पर रैली टायर इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो गाड़ी है वो ड्रिफ्टिंग के लिए बनी है। एक मिनट, साइड से आ रहा, साइड से भाई, राइट लेफ्ट साइड में, उस पर पहले तो ध्यान दे, बाद में बताता हूँ। एक मिनट रुको, आराम से टर्न, नहीं आगे नहीं, प्लीज आगे नहीं भाई, एटलीस्ट सेकंड नंबर तो आने। नहीं नहीं नहीं, ठुक गई, बस ठुक गई, बस यही चाहते थे हम। ओके, लेट्स गो, कम ऑन, यहाँ पर आराम से टर्न आ जाओ। ओके, आराम से डन, वो भी पीछे ही, लेट्स गो। और इसको तो पीछे छोड़ देंगे भाई, कोई बात ना, जाएंगे क्या इसके पीछे, क्या लगता है? शायद से, कम ऑन यार, फर्स्ट आना डिफिकल्ट है आई थिंक, शायद ये कुछ गलती कर दे, ठोक दो यार कहाँ पर। ओके, नहीं, फर्स्ट आना डिफिकल्ट है। तो ये एक ड्रिफ्टिंग कार है, इसलिए मैंने ड्रिफ्ट को कम करने के लिए, ड्रिफ्ट रस्ट को कम करने के लिए जो है ये रैली टायर लगाए। उसी के साथ रैली का डिफरेंशियल भी रैली लगाया है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट करती है। अगर कंटेनर के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेड फॉर ड्रिफ्ट। और अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब देखो, मज़ा नहीं आया, ठीक है, दोबारा से एक बार, बस एक बार वेट करो थोड़ा। पर इसकी बॉडी पार्ट्स मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास एक अच्छी खासी बॉडी किट भी है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, सो वेट करो। यहाँ पर अगेन एक रेस स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छा खासा कंपटीशन हो रहा, तभी मज़ा आता है। अब फरारी वाले के साथ कंपटीशन हुआ था ना, वैसा ही कुछ कंपटीशन होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। ओके, यहाँ पर देखते क्या कुछ जीप है, और रुको देखने दो, अच्छी खासी गाड़ियाँ है या फिर नहीं। कुछ खास सी नहीं है, बट मैं भी शायद वो दे सकती है, मस्टैंग, लेट्स गो, आ जाओ, देखते हैं कैसे टक्कर दे सकती है या फिर नहीं, वरना मज़ा नहीं आता यार। टक्कर की गाड़ियाँ होना तभी मज़ा आ जाता है। और इसका एक्चुअल में रियल जो नेम है निशान सिल्विया S15, ठीक है, S मतलब वो वेरिएंट होते हैं अलग अलग मॉडल, बाकी S15 S14 ऐसे करके, तो ये S15। कम ऑन, आराम से यहाँ पर टर्न। और कंटेनर में अगर ओपन करते हो तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मेड फॉर ड्रिफ्ट, और बहुत ही ज़्यादा ड्रिफ्ट होती है, तो ड्रिफ्ट को कम करने के लिए ऑब्वियसली यार रैली के टायर या फिर रैली का सस्पेंशन, उसी के साथ रैली का डिफरेंशियल लगा दो, ड्रिफ्ट कम हो जाता है। ओके, आराम से, अगर ऑफ रोडिंग में ड्रिफ्ट आप नहीं कर सकते ना, ऑफ रोडिंग के लिए रैली होती है, आराम से, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं मतलब ऑफ रोडिंग जैसी कुछ गाड़ियाँ होती है ना, रैली टाइप की गाड़ियाँ देखी होंगी। ओके, कम ऑन, कार वाला गेम खेलते हो तो इतना तो पता होगा। आराम से टर्न, कॉम्पिटिशन नहीं यार, मज़ा सा नहीं आ रहा, एक एक अगेन स्टार्ट करेंगे, कम ऑन, ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा पर एक लैंप ही शायद बचा हुआ है, हम जीत जाएंगे, या फिर दोबारा एक बारी करना है, नहीं ये लास्ट है। आराम से टर्न, बहुत बड़ा सा टर्न लेती है ऐसे, अगर हैंड ब्रेक दबा देना खिसकती है पूरी तरीके से, आराम से। ओके, बस अभी 6 लेवल आई थिंक बचे हुए, इसको हमको मैक्स अपग्रेड करने के लिए, उसके बाद मैक्स अपग्रेड होने के बाद भी देखेंगे, ज़्यादा इसकी 400 के ऊपर स्पीड नहीं है, उसके अंदर ही स्पीड है। ओके, जीत चुके हैं, और एक अगेन, ठीक है, एक लास्ट बॉडी पार्ट दिखा देता हूँ, मेरे पास अच्छी खासी बॉडी किट है इसकी, आई थिंक 2 मेरे पास अवेलेबल है, जहाँ तक मुझे याद है 2 बॉडी किट्स अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर एक लास्ट भाई, एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन, उसके बाद दिखा देता हूँ मैं बॉडी किट्स लगाएंगे, और स्किन्स भी मेरे पास अच्छी खासी हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कर देना, किसी कारणवश वो लाल वाला बटन दबाना भूल गए होगे तो कर देना, आपके लिए फ्री है, बट मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, कोई बात ना। यहाँ पर हमें थोड़ा फार ड्रैग देखने के लिए मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं ड्रैग में कैसा कुछ परफॉर्म कर पाती है, वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल ड्रैग टायर्स और ड्रैग डिफरेंशियल हमारे पास नहीं है, और गाड़ियां भाई भाई भाई, पूछो मत, MGGT वो जाने दो, बताने की ज़रूरत नहीं है, MGGT वहाँ पर जो वो जा रही है, कौन सी पगानी बोल रहा हूँ यार, पोर्शे, पीछे मर्सिडीज़ जा रही है, उसी के साथ
फरारी थी। नहीं 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 यार, पीछे देखकर मैं टर्न ले रहा हूँ कि उनको आगे नहीं जाने दो किसी किसी तरह से, बट कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन हो गया है ना। हम चाहते थे कि कुछ कंपटीशन हो तो मज़ा आ जाए, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हमें कंपटीशन देखने के लिए मिला। ओके यहाँ पर टास्क मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओके डन, लेट्स गो बैक चलते हैं और इन्वेंट्री के अंदर टास्क कंप्लीट कर दूँ। शायद कुछ ही लेवल बस बचे हैं कुछ ही। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स अगर मैं दिखाऊँ, ट्यूनिंग के अंदर जाता हूँ और बॉडी पार्ट्स, अच्छी खासी बॉडी किट्स है रिसेंट मेरे पास दो शायद। ये एक तो नॉर्मल ही है ये वाली, और सेकंड जो है वो अच्छी खासी लुक के साथ, स्पॉइलर के साथ, ये देख सकते हो पूरी तरीके से एकदम लुक चेंज हो जाता है। और उसी के साथ मेरे पास स्किन भी है, बट यहाँ पर पहले तो मैं बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता हूँ और बॉडी पार्ट्स दिखा देता हूँ। मेरे पास दो है, ये जो है ये भी मेरे पास दो हैं, लेम्बो के पीछे लगने वाले एग्जॉस्ट। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ नीचे, एक मिनट रुक जाओ, ये वाली देख सकते हो। अगर इंस्टॉल दबाता हूँ, एक ऑलरेडी मैंने लगा रखी है, और ये लगाने की इंस्टॉल पर दबाता हूँ तो देख सकते हो, मतलब दो है मेरे पास, ठीक है दो है। उसी के साथ मेरे पास और भी कुछ दो हैं, ये वाला अगर मैं दिखाऊँ तो, एक मिनट, ये वाला जो है ना, ये क्या है, जो भी हो यार, इसमें कुछ सामान लेके जाते हैं तो वह भी मेरे पास दो है। और यहाँ पर स्किन्स भी है जो कि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्यूनिंग के अंदर जाते हैं और दिखा देता हूँ, अच्छी खासी मेरे पास स्किन है, शायद दो, बस दो स्किन नहीं है, बाकी हो जाएंगे देख सकते हो। अच्छी खासी ये ब्लू वाली ठीक से मुझे अच्छी थोड़ी फार लगती है, तो ये ब्लू वाली हम लगा देते हैं और एक अगेन रेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बंदों के साथ लेते हैं। ये गाड़ी जो है ना, आप सुप्रा से कंपेयर करोगे तो, मतलब सुप्रा या फिर GTR R34 या फिर सुप्रा MK4 से कंपेयर करोगे तो उतनी तो नहीं बोल सकता मैं कि कंपटीशन उनको दे पाएगी या फिर उनके ही बराबर की गाड़ी है, बट उससे थोड़ा सा कम आप मान सकते हो, वो 100% उनको मान लो, और ये जो है 90% बोल सकते हो, ठीक है, उस उनके कंपैरिजन में उनको 100% मान लो और इसको 90%, जस्ट थोड़ा फार 9-10 का फर्क है। या फिर GTR R34 जो है वो सुप्रा के कंपेरिजन में थोड़ी फार अच्छी होती है। ओके लेट्स गो, यहाँ पर गाड़ियाँ तो हैं अच्छी खासी, देखेंगे फर्स्ट आएंगे तभी, वरना एक दोबारा से होगी रेस। ओके कम ऑन, थोड़ा सा इस भीड़ भाड़, कम ऑन मैन, व्हाट द हेल, जाने दो यार, प्लीज़ प्लीज़ जाने दे। ओके कोई बात नहीं, सातवें नंबर पर बहुत पीछे, बहुत बहुत, बस एक बंदा निकल गया, बस ये भी जाएगा पीछे, पीछे हट जा भाई, एक बार लीड लेंगे ना, बाद में छोड़ेंगे नहीं, आराम से यहाँ पर टर्न, ये भी बंदा जाएगा क्या पीछे। नो, मैं बता ही रहा था ये ड्रिफ्ट कुछ ज़्यादा ही मारती है सच में। कोई बात नहीं, ये बंदा तो जाएगा, ये एटलीस्ट थर्ड तो हम आएंगे, टॉप थर्ड के अंदर आएंगे, टेंशन मत लो, टॉप थर्ड के अंदर आना तय ही है अपना, इतना तो कॉन्फिडेंस। आगे देखो कुछ शायद भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई है, बंदे एक जगह पर हैं बहुत सारे, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस इसको किसी तरह से पीछे छोड़ दे। वो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है उन बंदों के बीच और हमारे बीच में, बट अरे क्या है यार, आराम से यहाँ पर टर्न, हैंड ब्रेक, और इससे आगे बस निकलना है, बस कम ऑन, अब की बार चले गए भाई, इससे आगे जाना था बस। ओके देखते हैं उन बंदों के बीच और हमारे बीच में डिस्टेंस। ओके यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है, लेट्स गो कम ऑन, घपला में कुछ ना कुछ तो आपस में गाड़ियाँ भिड़ चुकी हैं, ऐसा मेरे बोलने का मतलब है, बस इससे आगे चलो, बस जाएंगे क्या, मस्टैंग है थोड़ी फार मसल, गाड़ियाँ तेज़ी से जाती हैं, बट कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जाएंगे क्या, क्या लगता है, आ जाओ देखते, आराम से टर्न और बस मस्टैंग वाले से बस नहीं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लास्ट वाला था क्या, यस कम ऑन यार, कोई बात नहीं, एक एक भाई एक लास्ट, ठीक है लास्ट बार, ये लास्ट होगा, फर्स्ट आ पाएंगे या फिर नहीं आई डोंट नो, बट देखते हैं इस बारी फर्स्ट आने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, देखते हैं भाई, कंपटीशन थोड़ा फार होना तभी मज़ा आता है, बट कुछ इतना भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए कि बंदे कुछ हमसे ज़्यादा ही आगे चले जाए। ओके यहाँ पर टास्क और जस्ट बचा यार, एक लेवल कास्ट कंप्लीट हो जाता। ओके दोबारा से देखते कॉम्पिटिशन वाली गाड़ियाँ आ जाए, बट बराबरी की होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा, ना कि बुगाटी आ जाए तो कितनी आगे निकल जाएगी, उससे अच्छा थोड़ी बार कॉम्पिटिशन पैरेलल चलने वाली, एक के एक साइड में चलने वाली गाड़ियाँ होनी चाहिए, तभी मज़ा आ जाता है। बंदों के नाम देख लो, क्या पता आप आए होंगे, शायद से मे बी इट्स दैट सुप्रा, यस
देखते सुपरा भी आ चुकी होगी, उसी के साथ जय श्री राम लिखा है बंदे ने, सबको जय श्री राम। और प्रो फिर देख लो नाम भाई, एक बंदा चला गया। ओके एक आ चुका है यहाँ पर अगेन, एम स्पाइडर हो जा स्टार्ट भाई, हो जा। और अभी तक अगर आप डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, अच्छे खासे क्वेश्चंस वगैरह बातचीत होती है, अच्छे खासे 100-150 के राउंड बंदे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और वहाँ पर अच्छी खासी कार डीलिंग आपस में होती है बंदों की। सो वहाँ पर डिस्कॉर्ड पर आप ज्वाइन हो सकते हो, और हो जा स्टार्ट यार। ये एटलीस्ट ये तो गेम वालों को फिक्स कर देना चाहिए यार, एक मिनट से भी ज़्यादा कभी कभार टाइम लेता है, मैं बहुत बार बोरिंग हो जाता हूँ यार यहाँ पर। हो जा स्टार्ट भाई, हो जा कम ऑन, देखते एक हाथ बंदा आ जाए, और इसमें से कोई निकल जाता ना तो अभी मैं निकल जाता इस गेम से इस गेम के अंदर से, मैच से। ओके देखते हैं यहाँ पर मस्टैंग है, फिर मर्सिडीज़ है, ओ पीछे सुपरा, ओके कम ऑन, पीछे सुपरा नहीं फरारी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके लेट्स गो कम ऑन, अब की बारी तो फर्स्ट आना, किसी को आगे नहीं भर, थोड़ा फर मैं इधर उधर टर्न ले रहा हूँ ताकि पीछे वाले कम ऑन जाएंगे। थर्ड है कोई बात नहीं, वो फरारी वाला आगे। ओके मस्टैंग ना यार, क्या है बस यही प्रॉब्लम हो जाती है हर बारी। जाएंगे सेकंड, इसको तो पीछे छोड़ देंगे हम इजीली। कम ऑन यहाँ पर एक बारी हम लीड लेंगे ना, फर्स्ट जाएंगे ना, बाद में देखना, किसी भी बंदे को आगे नहीं मैं जाने दूंगा सच में। आराम से टर्न इजी। ओके कम ऑन, बस इसे किसी भी हाल में किसी भी, इट्स दैट सुपरा लिखा हुआ है बट उसके पास सुपरा है ही नहीं, व्हाट द हेल। आराम से कम ऑन, जस्ट बचा यार, जस्ट ना। ओके उसकी भी पलट गई, यही चाहता था मैं कि उसकी गाड़ी पलटे ना कि हमारी, बट दोनों की पलट गई, कोई बात नहीं। जस्ट पीछे यार, लगा कर चल रहा है वो बंदा। ओके आराम से एक बारी भाई आगे जाएंगे ना, इसको जाने नहीं देना बस, इसको किसी भी हाल में, बस हमारे पीछे लगा कर गाड़ी वो ला रहा है, पीछे लगा कर ना। चलो कोई बात नहीं, जाएंगे ठीक है, एक लैंप और बचाए ना। ओके चलो इसको पीछे टर्निंग में छोड़ने की कोशिश करेंगे यार। ओके कम ऑन इजी, चलो, बस थोड़ा सा बचा था यार, थोड़ा सा बच रहा है, थोड़ा सा और आराम से बस। इसकी गाड़ी स्लो हो गई, यहाँ पर टर्निंग में जाएंगे इससे आगे, यहाँ से टर्न लो बस, अभी किसी भी हाल में आगे नहीं जाने देना, वरना हार जाएंगे, वरना दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते हम। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आराम से जल्दी से टर्न यहाँ पर ईजिली। ओके जीतने वाले, सो बस इस वाली वीडियो में इतना रखना बेटर रहेगा। आई होप वीडियो पसंद आ गई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको निशान सिल्विया S15 कैसी लगी, लेट मी टेल इन द कमेंट सेक्शन। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।